अब हम देखते हैं कि स्पीड के साथ डायरेक्शन भी हो, अगर किसी एक दिशा में कोई चीज मूव कर रही हो तो रेट ऑफ मोशन को तो हमने स्पीड में कैलकुलेट किया था। अब सपोज हमें डायरेक्शन भी पता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन किस तरफ है, तो वो क्वांटिटी जो स्पेसिफाई करे बोथ डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसको हम कहेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी स्पीड है किसी एक मूविंग ऑब्जेक्ट की इन अ पर्टिकुलर डेफिनेट डायरेक्शन। तो वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म हो सकती है या वेरिएबल हो सकती है, जैसे स्पीड यूनिफॉर्म वेरिएबल थी। तो जो वेलोसिटी है, अगर उस ऑब्जेक्ट की स्पीड बदल जाए तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, अगर वो स्पीड सेम रहे और डायरेक्शन जो ऑब्जेक्ट चेंज कर ले तो भी वेलोसिटी चेंज मानी जाएगी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और उसकी स्पीड वेरिएबल है, तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी, कि ये सेम तरीके से ही कैलकुलेट करते हैं जैसे हम स्पीड कैलकुलेट करी थी हमने। तो अगर किसी चीज की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रही है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी इस तरीके से निकालेंगे, वो उसका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी प्लस फाइनल वेलोसिटी क्या थी डिवाइड बाई टू, ये मीन एवरेज निकाल लिया। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी कि शुरू में क्या वेलोसिटी थी प्लस फाइनल वेलोसिटी क्या थी डिवाइड बाई टू। तो इनिशियल वेलोसिटी को यू कहा हमने, फाइनल वेलोसिटी को वी, तो यू प्लस वी डिवाइड बाई टू, तो ये वी एवरेज आ गया। तो जो यूनिट है वेलोसिटी का वही है जो स्पीड का है, तो मीटर पर सेकंड के अंदर ही वेलोसिटी को भी मेजर किया जाता है। एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी में हम टाइम मेजर करते हैं जो हमें लगा। सपोज आपको अपने घर से आपके बस स्टॉप तक या फिर स्कूल तक जाने में, कंसीडर करते हैं कि आपकी जो वॉकिंग स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आ रहा है, तो आप डिस्टेंस कैलकुलेट, तो आप टाइम कैलकुलेट कीजिए आप जो आपने टाइम तो मेजर कर लिया, जैसे आप घर से चले और स्कूल कितने बजे पहुंचे, अगर पैदल चल रहे हैं या बस स्टॉप तक पैदल जा रहे हैं, तो आपने टाइम नोट कर लिया कि मेरे को इतना टाइम लगा। अब स्पीड आपको पता है कि आपकी 4 किलोमीटर पर आ रहा है, तो आपने डिस्टेंस निकालना है कि आप घर से चले तो आपके बस स्टॉप तक या स्कूल तक कितना आपने डिस्टेंस कवर किया। एक और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, हमने जब बादल आकाश में होते हैं तो आपने ज्यादातर देखा होगा कि कड़कने की आवाज जो है वो बाद में आती है। लाइटिंग, जब भी बिजली कड़कती है तो बिजली कड़कने की ऐसे रोशनी जो आकाश में आपको पहले दिखाई देगी, फिर थोड़ी देर बाद आपको आवाज गरजने की सुनाई देगी। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो लाइट की स्पीड है वो साउंड की स्पीड से बहुत ही ज्यादा तेज है। तो लाइट तो एकदम आ जाती है और साउंड काफी टाइम लगाती है। तो सपोज लाइट हमारे पास एकदम पहुंच गई और साउंड टाइम लगा रही है, तो हमें स्पीड ऑफ साउंड बता दी गई है 346 मीटर पर सेकेंड है। तो अब डिस्टेंस निकालते हैं हम कि कितनी दूर बिजली कट गई। तो आप अपने रिस्ट वॉच के ऊपर जैसे ही आपको लाइट दिखती है तब से लेके जब तक आवाज आपको सुनाई देती है ये टाइम आप देख लीजिए, और टाइम आपको पता लग गया और स्पीड पता है तो अब बिजली कितनी दूर है आप वो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये। देखिए एग्जाम्पल करते हैं, जो गाड़ी का ओडोमीटर है, सपोज ओडोमीटर मतलब जो डिस्टेंस बताता है सामने मीटर, तो वो जब हम घर चले कहीं से तो 2000 रीडिंग आ रही थी उसमें, जब ट्रिप हमारा खत्म हुआ तो 2400 रीडिंग आ रही है। तो मतलब 400 किलोमीटर हम चले हैं और हमें ये ट्रिप में 8 घंटे लग गए। तो अभी हमें एवरेज स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में। तो डिस्टेंस कितना कवर किया, फाइनल जहां पहुंचे तो 2400 रीडिंग थी, चले तो 2000 थी, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ 400 किलोमीटर। टाइम है हमारा इज इक्वल टू 8 आवर्स। एवरेज स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम।
तो डिस्टेंस हमारा 400 किलोमीटर डिवाइड बाई 8 आवर्स, तो ये आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। ये तो लेकिन किलोमीटर पर आवर में है, हमें तो मीटर पर सेकंड में भी निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई बाई क्या कर दिया, 1000 मीटर डिवाइड बाई 1 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर और 1 किलोमीटर एक ही चीज़ है, तो ऊपर नीचे सेम चीज़ है, तो उसको मल्टीप्लाई करने से कोई अंतर नहीं आना चाहिए। ऐसे ही मल्टीप्लाई बाई 1 आवर डिवाइड बाई 3600 सेकंड, तो ये भी, ये जब हम किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो गया, आर आर कैंसिल हो गया, तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा अब ये 1000 डिवाइड बाई 3600, तो ये 13.9 मीटर पर सेकंड आ गया। तो इसमें ये भी किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड के अंदर निकालने के लिए हमें 1000 डिवाइड बाई 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे किलोमीटर पर आर को, तो मीटर पर सेकंड में स्पीड आ जाती है। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल करते हैं। उषा स्विम कर रही है, 90 मीटर लॉन्ग पूल है, उसमें वो 180 मीटर एक मिनट में उसने स्विम किया, मतलब एक तो गई फिर वहां टच करके स्विमिंग पूल के दूसरे एंड को वापस आ गई, स्ट्रेट लाइन में उसने ये डिस्टेंस कवर किया एक मिनट के अंदर। तो उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी उषा की पता लगानी है। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना किया उसने एक मीटर में, 180 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है उसकी, क्योंकि वहां से शुरू किया था वहीं पहुंच गई, तो 0 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। हमने पहले देखा था कि डिस्प्लेसमेंट होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जहां से शुरू किया और जहां पहुंचे, तो वो तो 0 मीटर ही है क्योंकि वहीं से शुरू किया वहीं पे पहुंच गई, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड 180 है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाई टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 180 मीटर डिवाइड बाई 1 मीटर, तो ये आ गया मीटर पर मिनट है, तो मिनट को मीटर पर सेकंड में होता है, तो मिनट को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाई 1 मिनट डिवाइड बाई 60 सेकंड। ये इसलिए किया क्योंकि कन्वर्ट करने के लिए, तो मिनट मिनट कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 180 डिवाइड बाई 60, 3 मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड आ गई। एवरेज वेलोसिटी को अब ध्यान से देखना इस चीज को, कि एवरेज वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई हमारी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 मीटर है क्योंकि वहीं से शुरू किया वहीं पे वापस पहुंच गए, तो 0 मीटर डिवाइड बाय 60 सेकंड, तो 0 डिवाइड बाय कुछ भी तो 0 ही रहता है, तो 0 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज स्पीड हमारी निकली 3 मीटर पर सेकंड और वेलोसिटी निकली 0 मीटर पर सेकंड, तो ये स्पीड और वेलोसिटी में देखिए हमें अंतर पता लगा। अब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बारे में जानते हैं। जब हम यूनिफॉर्म मोशन में कोई एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अंदर चल रही हो, तो उसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती है विद टाइम। चेंज ऑफ वेलोसिटी किसी भी टाइम इंटरवल के बीच में उसका 0 होता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, सपोज कोई धीरे हो रही है चीज या फिर दोबारा तेज हो रही है, तो उसकी वेलोसिटी तो वेरी कर रही है टाइम के साथ, तो उसकी अलग अलग टाइम पीरियड या इंस्टेंट्स के ऊपर, अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर उसकी अलग अलग वेलोसिटी है। तो उसमें चेंज ऑफ वेलोसिटी किसी भी इंटरवल पे उसका 0 नहीं है, तो चेंज उसको हम कैसे अब एक्सप्रेस कर सकते हैं जो चेंज इन वेलोसिटी हो रही है उस ऑब्जेक्ट की। तो इस सवाल को जवाब देने के लिए एक और फिजिकल क्वांटिटी हम इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, जिसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन है जो मेजर चेंज ऑफ वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट का पर यूनिट टाइम के अंदर, कि इतने टाइम में उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाई कितना टाइम टेकन। तो अगर किसी चीज की इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v है और टाइम t लिया, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u डिवाइड बाय टाइम। तो इस तरह के मोशन में जिसके अंदर वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है, तो उसको हम एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। अगर एक्सेलरेटेड मोशन जिस डायरेक्शन में चीज जा रही है उसी डायरेक्शन के अंदर
अगर उसकी एक्सेलरेशन बढ़ रही है तो उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे, अगर वेलोसिटी कम हो रही है उसी डायरेक्शन में उस चीज की तो उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। स्पीड की और या वेलोसिटी की थी मीटर पर सेकेंड, इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अगर सपोज कोई स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है बराबर अमाउंट्स के अंदर और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। जैसे कि ऊपर से कोई चीज धरती की तरफ गिरती है तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है वो, उसकी जो एक्सेलरेशन धरती की तरफ एक कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन के अंदर बढ़ती है। और कोई चीज की जो वेलोसिटी कम ज्यादा हो रही है नॉन यूनिफॉर्म वे में, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। जैसे कि गाड़ी अगर जो रोड पे चलती है तो वो कभी ज्यादा तेज होती है, कभी कम तेज होती है, तो वेलोसिटी तो चेंज होती है और उसकी एक्सेलरेशन भी अलग अलग रहती है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की एग्जांपल है। तो हमारी जो डे टू डे लाइफ के अंदर अलग अलग एग्जांपल्स हमारे सामने आती हैं अलग अलग रेंज ऑफ मोशंस के, तो उनको हमने आइडेंटिफाई करना है और आपस के अंदर किस तरह का मोशन है वो आपस में डिस्कस करना है। तो एक तो एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उस चीज उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो, और जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं दूसरी एग्जांपल उसकी देखिए कि उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो। एक एग्जांपल देखिए कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, एक एग्जांपल देखिए कि एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो। तो ये आपस में डिस्कस कीजिए इसको। अब एक एग्जांपल करते हैं, उसमें राहुल एक स्टेशनरी पोजीशन से, मतलब एक जगह खड़ा था वहां से उसने साइकिल अपनी चलानी शुरू करी और 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पे पहुंच गया 30 सेकंड के अंदर। वहां पहुंच के फिर उसने ब्रेक लगाई और अगले 5 सेकंड में वो 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पे पहुंच गया, कम कर ली उसने मतलब। तो इसमें एक्सेलरेशन दोनों केसेस में हमें कैलकुलेट करते हैं। जो पहले केस के अंदर इनिशियल वेलोसिटी यू कितनी थी हमारी, 0, क्योंकि चीज रुकी हुई थी। फाइनल वेलोसिटी वी कितनी है हमारी, 6 मीटर पर सेकंड जो दी गई है। टाइम कितना लगा हमें, 30 सेकंड। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो इनको वैल्यू किया 6 मीटर पर सेकंड माइनस 0 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय 30 सेकंड। तो ये एक्सेलरेशन हमारी आई 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड केस के अंदर फाइनल वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 6 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इस पे चल रही थी। फाइनल वेलोसिटी जो धीरे जब साइकिल होगी तो वो थी 4 मीटर पर सेकंड। टाइम इसमें लगा हमें 5 सेकंड का। तो एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम आएगा, ये माइनस में आएगा क्योंकि फाइनल वेलोसिटी कम है, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा थी। तो माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो माइनस चीज बता रहा है कि डी एक्सेलरेशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन कम हो रही है, चीज रुक रही है। एक्सेलरेशन का मतलब आगे की तरफ ज्यादा एक्सेलरेट हो रही है। तो एक्सेलरेशन पहले केस में था 0.2 मीटर पर सेकेंड और सेकेंड केस में एक्सेलरेशन है वो माइनस में है 0.4 मीटर पर सेकेंड।